पहले लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, भारतीय किसान, ये किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, लोग किसानों से टकराएगा, लोग किसानों से टकराएगा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, पहले लड़े जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़े जोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। क्या पोली हाउस पर सब्सिडी खत्म कर रही है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं? खट्टर मोदी किसान विरोधी, खट्टर मोदी किसान विरोधी, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, खट्टर मोदी किसान विरोधी, खट्टर मोदी। कुछ समय पहले किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई थी जो कि 65% थी, और इसलिए दी गई थी कि लोग बागबानी की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं और बाग लगाएं और वो खेती करें। तो आज हरियाणा जो 65% थी सब्सिडी, उसमें 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 15% हरियाणा गवर्नमेंट देती थी, इसलिए अब हरियाणा गवर्नमेंट ने 15% जो सब्सिडी दी थी वो बंद कर दी बागवानी पे। तो इसलिए किसान तो पहले ही मरया पड़ा था, उसके पास तो पहले जो दवाइयों के खर्चे थे और खर्चे थे वो दुगने तिगने हो गए थे, और अब ये 15% सब्सिडी भी ख़त्म करने से उसका बिल्कुल नुकसान हो जाएगा और वो बिल्कुल अपनी जो खेती है उसको बंद करने के कगार पे आ जाएगा। तो हाँ जी, मांग हमारी ये है कि जो हरियाणा सरकार है ये जो सब्सिडी है इसने बंद करी है, उसको दोबारा से चालू करें, जल्दी से जल्दी चालू करें, ताकि किसानों की जो खेती बंद करने की स्कीम है वो ना हो जाए। क्या क्या नुकसान होंगे अगर सब्सिडी बंद हो जाए? सब्सिडी बंद हो जाए तो लगभग काफ़ी 2-3, 6-7 लाख का खर्चा जो है ना वो टोटल एक एकड़ के ऊपर जो था वो किसान के ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए इतना भारी बोझ जो है वो किसान नहीं उठा सकता। मेरा सुरेंद्र गुम्मन, जिला अध्यक्ष करनाल। देखिए, जो बागवानी किसानों को 65% सब्सिडी मिलती थी वो दो जगह से आती थी, 50% सेंट्रल सरकार देती थी और 15% स्टेट की सरकार देती थी, और इसके अलावा 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो पहले साल फसल बोई जाती थी उसके लिए दिया जाता था किसान को। अब जो स्टेट सरकार थी 15% सब्सिडी और 70 रुपये स्क्वायर मीटर जो मिलता था किसान को, यानी तकरीबन जो बैठता है 2,80,000 करीब, उसको खत्म करने जा रही है, जो कि तकरीबन जो मोटा मोटा बैठता है ये 7-8 लाख का बैठता है ये नुकसान किसान को। तो उसी बात को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डी साहब को देकर जा रहे हैं। अरे मोटा नुकसान है, कह तो दिया 7-8 लाख पर एकड़ का नुकसान है किसान को, 7-8 लाख पर एकड़। कौन लगाएगा पाली हाउस, तोड़ जाएगा इस काम के ऊपर? कोई भी नहीं करे, किसान में इतनी गुंजाइश है ही नहीं। कम किया जा रहा है, हाँ यही तरीका दुगनी करने का, सब्सिडी खत्म करो, किसान को मारो, ऐसी तो आमदनी दुगनी होगी किसानों की। सुरेंद्र सांगवान।